आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। माँ बाप की लापरवाही से 6 माह की बच्ची की जान जाते जाते बची। पूरा मामला नौचंदी थाने के सेंट्रल मार्केट का है, जहां बच्ची को सेंट्रो कार में बंद करके माँ बाप शॉपिंग करने चले गए। पसीने में तर बतर बच्ची कार के अंदर रोती रही। वहां से गुजर रहे किसी शख्स की नजर बच्ची पर पड़ी तो कार का लॉक खोलकर उसे निकालने का प्रयास किया गया। लॉक नहीं खुला तो ईंट से शीशा तोड़ने की कोशिश की गई। 45 मिनट भी कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बिना देरी किए कार का शीशा तोड़ा और बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहीं कुछ देर बाद बच्ची के माँ बाप भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन भीड़ देखकर मां मौके से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया था। सर यहाँ पे ना बच्ची को उन्होंने बंद कर दिया था गाड़ी के अंदर, और वो थोड़ी देर में उठी है, बहुत एक डेढ़ घंटे तक बच्ची रोती रही बहुत देर। हमने इनका अनाउंसमेंट भी कराया, 8-10 दफे अनाउंसमेंट कराया, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद भी ये लोग नहीं। फिर ये कंडीशन ऐसी हो गई, निढाल होती जा रही थी, बाय लक की बात है सब लोगों ने मिलकर इसको सजा। कितने महीने की बच्ची होगी ये? मात्र 5 मंथ्स की बच्ची, नॉट मोर देन। अब इसके पेरेंट्स आ गए हैं? पेरेंट्स आ चुके हैं, लेकिन दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट, दे आर बिजी इन टॉकिंग ऑल दैट। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर राम मंदिर विवाद को लटका रहा है। 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तो उस समय भी कोर्ट ने ऐसा ही रवैया अख्तियार किया था। जब 1992 में ढांचा गिरा था तब भी कोर्ट ने ही कुछ इसी प्रकार का आदेश दिया था। और सबसे दुखद बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिससे इतनी बड़ी संख्या में 100 करोड़ के ऊपर लोग जिससे जुड़े हों, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये टालने का प्रयास है। और संत समाज जो है हिंदू समाज की अगुवाई करता है, और जब जब हिंदू समाज पर संकट पड़ा है, देश पर संकट पड़ा है, तो संत समाज ने नेतृत्व किया है, और संत समाज ये आवश्यकता महसूस करता है। संत समाज के साथ साथ इस देश का हिंदू समाज भी आवश्यकता महसूस करता है कि अब देर नहीं कीजिए केसो, और शेर नहीं कीजिए केसो, रण की भेरी बच जाने दो, संग्राम तुरंत जाने दो। तब अब रास्ता निकलना चाहिए, अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। आगरा में फाइबर शीट के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगी। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। एक तरफ पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से किसी तरह का कोई जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है, जिसके चलते गोरखपुर जिले की गोला तहसील के पास काफी बड़े भूभाग पर किसान पराली जला रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैल गया है। दिवाली आते ही मऊ में मिलावटखोरों के साथ अवैध शराब और कच्चिया शराब का कारोबार जोर पकड़ लेता है, लिहाजा आबकारी अधिकारी ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इस बाबत आबकारी अधिकारी ने बताया कि 8 मामलों में कार्रवाई करते हुए 100 लीटर अवैध शराब बरामद करने के साथ 200 लीटर लहन बरामद किया गया है। मऊ जनपद के दोहरीघाट विकासखंड स्थित सूरजपुर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ी में दिवाली के पर्व पर मंदिर में दिए जलाकर प्रकाश पर्व मनाया। हिंदू युवा वाहिनी के अजय रायन ने बताया कि सीएम योगी के दिशा निर्देश पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। बीते दिनों प्रदूषण के मामले में फरीदाबाद के नंबर एक शहर बनने के मामले में प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई थी। वहीं अब नगर निगम ने कमर कसते हुए सड़क किनारे लगे पेड़ों और सड़क पर छिड़काव करना शुरू कर दिया है, लेकिन सड़क पर गिरी धूल जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनती है उसे हटाना शायद भूल गए। लिहाजा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या पानी के छिड़काव के बाद से फरीदाबाद को प्रदूषण से निजात मिल पाएगी। कल जो असल में जिस आंकड़े के आधार पर फरीदाबाद को प्रदूषण के स्तर ऊपर माना गया था, वह आंकड़ा तकनीकी गलती के कारण जारी हुआ था। उसके बाद जैसे ही ये आंकड़ा जारी हुआ, हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और आप लोगों के माध्यम से जो मैसेज आया था, हमने तत्काल उसकी जांच करवा ली थी और जो तकनीकी समस्या थी उसको ठीक करवा दिया था। उसके बाद तो NCR में जब हमने उसका एक्चुअल जाँच की तो सबसे कम
PM2.5 पाया गया जो कि 93 से 101 के बीच में रहा। फरीदाबाद के 13 जूनियर खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने सोनीपत जाएंगे। 8 से 11 नवंबर तक राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इससे पहले जिला स्तरीय प्रतियोगिता दिनेश महाजन की एकेडमी द्वारा आयोजित की गई थी, जहां अलग अलग भार के 13 खिलाड़ी राज्य स्तर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।